हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद। मैं आज आपको टाइटल फॉर्मेटिंग, फॉन्ट टाइप साइज और स्टाइल के बारे में सिखाने वाला हूँ। टाइटल फॉर्मेटिंग और फॉन्ट साइज और स्टाइल ये डिज़ाइन में बहुत ज़रूरी रहते हैं, और ये सब आपने पहले डिज़ाइन में किया था। फोटो कटिंग कैसे करने के ये सेकंड डिज़ाइन में बताया था। तो अभी मैं आपको ये ऐसा बना के दिखाने वाला हूँ, फॉर्मेटिंग चेंज करके दिखाने वाला हूँ। और ये गोल्डन स्ट्रिप में ये नाम कर्सिव करके डाल के दिखाने वाला हूँ। और ये फोटो आजू बाजू थे उनको पास पास लिया, फॉर्मेट चेंज किया है, और इसमें सब वही कंटेंट रखा है ताकि आपके समझ में आए। और टाइटल फॉर्मेटिंग और फॉन्ट साइज और स्टाइल ये डिज़ाइन में बहुत मायने रखते हैं, और ये डिज़ाइन आप नया करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब मैंने इंपोर्ट करके रखा है, कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट होता है और यहाँ क्लिप करने से भी इंपोर्ट होता है, और राइट क्लिप करके भी इंपोर्ट होता है। ये तीन तरह से इंपोर्ट होता है दोस्तों, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। और ये ग्लिटर बैकग्राउंड मैंने गूगल से डाउनलोड किया है, यहाँ पे डबल क्लिप करने का लाइन आया, फिर एरो से सिलेक्ट करके ग्लिटर बैकग्राउंड डिज़ाइन में इंसर्ट करने का। तो वो इफेक्ट में जाके, पावर क्लिप में जाके प्लेस इंसर्ट करके अंदर, फिर कंट्रोल और लेफ्ट की दबा के अंदर जाके उसको बड़ा करने का, और फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेके ट्रांसपेरेंसी टूल सेलेक्ट करके उसे लाइट करने का, और ये और लाइट करो उसको थोड़ा ऊपर लिया। और फिर मैंने नीचे से दूसरा ग्लिटर डिज़ाइन लगाने का है, ये भी गूगल से डाउनलोड किया है, तो इसको भी पावर क्लिप में जाके इंसर्ट करने का, कंट्रोल दबा के लेफ्ट की दबा के अंदर जाने का। जैसे अंदर जाते हैं वैसे ही बाहर जाते हैं, कंट्रोल दबा के लेफ्ट की दबा के बाहर आते हैं दोस्तों। इसको भी ट्रांसपेरेंसी देंगे, और फिर कंट्रोल दबा के बाहर आया, फिर कंट्रोल दबा के लेफ्ट की दबाने का, फिर कलर चेंज किया, ये लाइट वाला अच्छा लग रहा है इसको चॉइस किया। फिर ये गोल्डन रिबिन है ये गूगल से डाउनलोड किया है, ये इसको ग्लो दिया है मैंने नीचे से, ये भी बताऊंगा कैसे देने का। फिर इसको सिलेक्ट करके सेप से सी दबाने का, ये सेंटर आया, फिर इसको थोड़ा ऊपर लिया, फिर इसके ऊपर आता है कमिंग सून, जैसे कि पहले डिज़ाइन में लिया था पिछले वाले वीडियो में। फिर ये टाइटल इस पर सेट करने का है, वो वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि ये कर्सिव कैसे करने का। तो ये ट्रांसपेरेंसी टूल में जाके इधर इनवेलोप नाम का ये टूल है, इसे सिलेक्ट करने का, ये दो डॉट डिलीट करने का, और उसके बाद ये ऐसा ऊपर लेने का, इसको भी कर्सिव में ऐसा ऊपर लेने का, जैसा शेप है वैसा मेंटेन करने का, फिर ये अंदर का डिलीट करने का, इधर का भी वैसे ही सेम, इधर से अंदर, ये वाला एरो अंदर, ये वाला बाहर स्ट्रेट, जैसे रिबिन है उस तरह से, ये साइड भी वैसे ही करने का, और ये थोड़ा सा नीचे खींचने का। ये देखो अच्छा दिख रहा है। अभी इसको दोनों को सिलेक्ट करके ऊपर लेने का, ये ऊपर लेने का, फिर उसके बाद मैं ग्लो दिखाने वाला हूँ, ये देखो ग्लो, फिर ये ऐसे नीचे खींचने का, फिर इसको ब्लैक कलर आया है तो ये कलर मुझे अलग चाहिए, तो
तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से कलर चेंज होता है, थोड़ा डार्क कर लेते हैं ताकि ऊपर उठा हुआ लगे। ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, चॉकलेट कलर देते हैं इसको ताकि वो मैच हो जाए। तो ये कलर यहाँ से ऐसा ओके, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है दोस्तों, है ना खूबसूरत। इसको ऊपर लेने का, और उसके बाद ये लोगो और फोटो दोनों सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके फिर इसको भी शिफ्ट और बैकग्राउंड से सी दबा के सेंटर लाया जा सकता है। और फिर अभी ये है डेट, तो टाइटल फॉर्मेटिंग तो हो गया। अभी ये मैं तुम्हें फॉन्ट टाइप के बारे में बताता हूँ। यहाँ से फॉन्ट का टाइप बदला जा सकता है। तो डेट के लिए मेरे हिसाब से यही फॉन्ट अच्छा है दिखने में। तो यहाँ से फॉन्ट साइज कम ज़्यादा होती है, ये देखो दोस्तों। तो आप कर्सर से भी कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के करो, यानी कि प्रोपोर्शन में होता है। फिर उसके बाद इसे थोड़ा ऊपर लिया, फिर शिफ्ट दबा के बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, फिर सी दबाया, फिर सेंटर में लिया। फिर मैंने इस फॉन्ट को भी फॉन्ट दे के रखा है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको फॉन्ट दे के रखा है। इसको भी शिफ्ट के साथ सीधा बने का सेंटर, अभी शिफ्ट के साथ नहीं दबाने का, शिफ्ट दबा के बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का, फिर छोड़ देने का शिफ्ट, फिर सीधा बने का। अभी ये बॉक्स मैंने कैसे बनाया है, तो ये बॉक्स लेके ऐसा खींचने का, फिर उसके बाद कलर डालने का, फिर ये सेकंड वाला टूल शेप टूल से अंदर खींचो। ये अंदर खींचने के बाद यहाँ ट्रांसपेरेंसी टूल में जाके यहाँ से उसको यूनिफॉर्म करो। उसके बाद एरो रे के राइट क्लिक करो नन पे, ऐसा तो आउटलाइन चली गई। तो कलर चेंज करो, तो मुझे ये वाला कलर बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ये लेटर्स के आगे की जो बुलेट है राउंड, ये गूगल पे मिल जाएगी, नहीं तो यहाँ से भी कर सकते हैं राउंड लेके। आउटलाइन तो देना मैंने सिखाई है ये, तो इसको मुझे सेंटर लेने का है। तो ये सी दबाने के बाद सेंटर आता है, आपको दिखने कैसे, ये देखो समझो ये इधर है, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के सेलेक्ट के लिया, सी दबाया, फिर ई दबाया, सी और ई शिफ्ट दबा के दूसरा कैरेक्टर सेलेक्ट करके शिफ्ट छोड़ देने का, फिर सी और ई दबाने का, फिर ये ऑर्गेनाइज़र इसको रख दिया। ये सेकंड वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है ये बेल्ट कैसा बनाया, वो आप मेरे चैनल पे जाके पहला वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें सब है, 20 मिनट का वीडियो है, वो अगर पूरा देख लिया तो आप डिज़ाइनर बन गए समझो, ये मेरा वादा है। अभी ये बॉक्स भी उसमें बताया है कैसे फोटो अंदर डालने का, और ये भी मैंने दिखाया है। तो एक नंबर वाले वीडियो में सब है, इसमें मुझे सिर्फ टाइटल दिखाने का था जो मैंने दिखाया है। अगली वीडियो में मैं बताने वाला हूँ गोल्डन कॉर्नर कैसे बनाने का। अभी ये जो कॉर्नर है ये ब्लैक थे, इसको मैंने गूगल से डाउनलोड किया, तो इसको गोल्डन कैसे किया वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी ये वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता ताकि आप बोर ना हो, आप सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं आपको डिज़ाइनर बना के ही छोड़ूंगा। ये देखो ये इधर रख दिया, तो इसको लेफ्ट की दबा के कंट्रोल दबा के राइट में खींचा, तो इधर मिरर कॉपी हो जाता है। फिर उसके बाद ये सिलेक्ट करके बैकग्राउंड शिफ्ट दबा के सिलेक्ट करने का और आर दबाने का, ये देखो राइट साइड आ गया दोस्तों, है ना, देखो बढ़िया दिख रहा है। अभी इसको और बढ़िया दिखाने के लिए
हमें डिज़ाइन को क्या चाहिए, बॉर्डर देना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके यहाँ नीचे डबल क्लिप करने का, फिर डबल क्लिप करने के बाद वो बॉक्स आता है। अभी तो सब हो गया है, टाइटल फॉर्मेटिंग वगैरह जैसे मैंने बोला था वैसे मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। डिज़ाइन सेव किया, अभी हमें करना है आउटलाइन। तो आउटलाइन देने के लिए यहाँ डबल क्लिप करने का, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ से 10 पॉइंट साइज, कलर रेड, ये दोनों क्लिक चाहिए ही, डिफ़ॉल्ट और ओके। देखो एकदम मस्त दिख रहा है, क्या उठ के दिख रहा है डिज़ाइन, देखो एकदम मस्त। अभी देखो इसको हम कलर चेंज करेंगे आउटलाइन का, मेरे हिसाब से ब्लैक बहुत बढ़िया दिखेगा, ब्लैक से अंदर का डिज़ाइन भी उठ के दिखता है। अभी ये सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करके ग्रुप करने का और कंट्रोल एस करके सेव करने का, फिर ये फुल स्क्रीन देखने के लिए F9 दबाने का। देखो दोस्तों कितना बढ़िया डिज़ाइन बन गया है, देखो। तो हम इसी तरह से, आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करो ताकि मैं और डिज़ाइन बना सकूँ।